सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर नए दिन की शुरुआत सदा सकारात्मक विचार से करें। अपने किसी भी मंजिल से आप तब तक दूर हैं जब तक उसके लिए पहला कदम न उठाया जाए। खेल का अंतिम क्षण ही जीत की प्रतीक्षा कर रहा होता है। हर असफल प्रयास जीत और कामयाबी का अहम हिस्सा होता है। आज का पंचांग 4 जनवरी 2023 दिन बुधवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 12:01 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र शाम 6:48 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:24 से 1:42 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 4 जनवरी 2023 दिन बुधवार, अगर मुमकिन हो तो लंबे सफर पर जाने से बचें, क्योंकि लंबी यात्राओं के लिए अभी आप कमजोर हैं और उनसे आपकी कमजोरी और बढ़ेगी। आज धन आपके हाथ में नहीं टिकेगा। आपको धन संचय करने में आज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले आपको सभी की राय जानने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग प्रेम के संगीत में डूबे हुए हैं, वही इसके स्वर का आनंद ले सकते हैं। आज के दिन आप भी उस संगीत को सुन सकेंगे जो दुनिया के बाकी सभी गीतों को भुलवा देगा। संयम और साहस का दामन थामे रखें, खास तौर पर तब जब दूसरे आपका विरोध करें, जिसके कामकाज के दौरान संभावना है। अपने किस मित्र के साथ आज समय बिता सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप शराब का सेवन करने से बचें। स्थितियां और घटनाएं इस प्रकार बदलेंगे कि आपको पहले से सोच समझ कर लिया गया एक फैसला बदलना पड़ सकता है। आपको जीवन में आने वाली चीजों के प्रति अधिक जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। आप अपने पहले तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अपना कार्यक्रम बदलना पड़ सकता है। इस अप्रत्याशित घटना के कारण आपकी छोटी अवधि के लगभग सभी कार्य प्रभावित होंगे। आर्थिक हानि अभी आपके दिमाग पर हावी हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आपके ध्यान की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, विचार करने और मूल्यांकन में वक्त बिताएं। कुछ खाली समय निकालकर मन की शांति पाना अभी सर्वश्रेष्ठ है। आज अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर घर के मामलों को हल करेंगे। निजी और व्यवसायी जीवन के बीच में संतुलन बनाए रखें। अपने लिए भी समय निकालें। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी गलतियां करते हैं या कितने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जो कोशिश नहीं करते। अपने दैनिक कार्यों को व्यवस्थित रखने से आप अपने लिए भी उचित समय निकाल लेंगे। अध्ययन अध्यापन संबंधित कार्यों में भी रुचि रहेगी। आत्ममनन और चिंतन करने से आपको कई उलझे हुए सवालों का जवाब भी तुरंत ही मिलेगा। बार बार पुरानी बातों का विचार करने से आप खुद को निराश बना सकते हैं, इसलिए पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ें। नकारात्मकता से बचना होगा। जिन बातों के कारण तनाव होता है, ऐसी बातों से खुद को थोड़ा दूर रखें। पैसों से संबंधित कोई निर्णय लेते समय जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं, उनके विचारों को जानना आपके लिए जरूरी होगा। पुराने रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है। सेहत संबंधित कोई न कोई दिक्कत भी रह सकती है। सावधानियां, संबंधों में किसी पुरानी बात को लेकर विवादित स्थिति बन सकती है। हालांकि परिस्थितियां कितनी भी नकारात्मक हो, आप सकारात्मकता ढूंढ ही लेंगे, लेकिन सिर्फ वाणी और गुस्से पर काबू रखें। कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन अवश्य करें। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य संबंधों में मनमुटाव की स्थिति गंभीर हो सकती है। बहुत अधिक धैर्य और समझदारी रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। यह समय परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए नई योजना बनाने का है। साथ ही यह लिव इन पार्टनर के साथ नोकझोंक की संभावना है।
लेकिन अपने स्टाइल और प्यारी बातों से आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। कानूनी समझौते के लिए अभी वक्त उचित नहीं है। अपने घर के मामलों के लिए व्यस्त कामों से समय निकालें और अपने प्यार करने वालों के सुझावों का सम्मान करें। आज आपकी खूबियों और व्यक्तित्व की ओर कोई आकर्षित हो सकता है। अपने साथी से दूरियां कम करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करें कि वो आपसे दूर होने की बात सोच भी ना सके। आज प्यार आपके तन मन में महसूस होगा। अगर आप अकेले हैं तो मुमकिन है कि कोई आपके तन्हाई दूर करने के लिए आपको मिले और संभावना है कि आपको उससे प्रेम हो जाए, जो कि काफी हिंसक हो सकता है। परंतु ये आपको याद रखने की जरूरत है कि प्रेम में काफी समायोजन की आवश्यकता होती है, तभी वह स्थायी और लंबा होता है, अन्यथा वह एक गुजरा हुआ दौर बन के रह जाता है। प्रेमी जोड़ों को आज के दिन प्रेम का आनंद मिलने की संभावना है। बात करते हैं करियर की। आपकी कड़ी मेहनत और धैर्य की लंबी प्रतिबद्धता का फल आपको मिलने जा रहा है और एक बड़ा अवसर आपके करियर को आगे ले जाने के लिए आपको मिल सकता है। अतः आपको अपनी प्रतिबद्धताओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अन्य लोगों के योगदान को याद करें और ना भूलें और उनके साथ सदा विनम्र रहें। यह न केवल आपको लोकप्रिय बनाएगा बल्कि आपके भविष्य में भी मदद देगा। आज आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। कोई महत्वपूर्ण बैठक या मुलाकात आपके दिन को और भी सुनहरा बना सकती है। अचानक मिले धन का प्रयोग आप अपने कार्य के विकास में करेंगे। याद रखें, जिसका ज्ञान पूर्ण है सफलता उसका साथ देती है। यह आपके प्रयासों की नई शुरुआत है और अब आपके वो सभी सपने पूरे होंगे जिनका आपने लंबे समय तक इंतजार किया है। अपने सहयोगियों और अधिकारियों से पूरा समर्थन मिलेगा। यह चरण आपको बदलाव की तरफ ले जा रहा है। व्यवसाय की सफलता को विश्वसनीय रूप से सुनिश्चित करने के लिए नई बैठकें और पार्टनरशिप की संभावना है। व्यवसाय में परिस्थितियां आपके अनुकूल ही बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा। बुद्धिमत्ता व चतुराई से व्यापार में लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से प्राप्त करेंगे और इससे फायदा भी होगा। बात करते हैं सेहत की। गला जुखाम व बुखार जैसी परेशानी रहेगी। मौसमी बचाव अवश्य करें। गर्म वस्तुओं का संतुलित सेवन करें। यह आपके लिए खासी शर्मिंदगी उठाने वाली स्थिति भी हो सकती है कि आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज गुस्सा आ जाए। अपने इस रिएक्शन के लिए अब अपने दिमाग पर जोर न डालें। गलतियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जिस भावनात्मक तूफान से गुजर रहे हैं, यह उसका नतीजा भी हो सकता है। सबसे पहले उसका समाधान करने की कोशिश करें। सेहत का ख्याल रखें। आज अब गणेश भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।